सर प्लीज हेल्प मी, किसी की जान खतरे में, प्लीज हेल्प मी। एक मिनट रुके, प्लीज प्लीज रिलैक्स, एक मिनट बैठिए, आइए, प्लीज सेव हर लाइफ, प्लीज आप सेव हर लाइफ, एक मिनट बैठिए आप, प्लीज ले लीजिए। मैं मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की सुसाइड हेल्पलाइन की वॉलंटियर हूँ। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। एक लड़की, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? डोमेस्टिक वायलेंस सर। सर वो लड़की कह रही थी कि उसका पति उसे शराब पी के गंदी गंदी गालियाँ देता है, उसे मारता है, और अब तो उसे धमकी भी दे रहा है कि उसे जान से मार देगा, और वो भी उसके सर्विस पिस्टल से। सर्विस पिस्टल? ये आपको कैसे पता कि उसके पास जो गन है वो सर्विस पिस्टल है? सर ये वर्ड उस लड़की ने यूज किया था, सर्विस पिस्टल। सर कोई आर्मी वाला या पुलिस वाला होगा, तो आपने उसको बोला नहीं कि पुलिस में कंप्लेन करे जाके? कहा था मैंने उसे, हंसने लगी वो, कहती है कि पुलिस में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आज वो सुसाइड कमिट कर लेगी, उसके पेट में 7 महीने का बच्चा भी है। My God. अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था उसने। हेलो हेलो दीदी, दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ ये कैसी हो तुम? दीदी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, सुन रही हो ना तुम? आज मेरी गोद भर आई है, और आपको पता है थोड़ी देर में सारे रिलेटिव्स बस पकड़ कर सतारा वापस चले जाएंगे, मैं इस घर में एकदम अकेली रह जाऊंगी उस जानवर के साथ। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, प्लीज तुम पुलिस के पास जाओ, पुलिस विल हेल्प यू। दीदी आप जानती है ना मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, बच्चा तुम्हारे पेट में है। उसी के बारे में सोच रही हूँ दीदी, अगर आज मैंने अपना इरादा बदल लिया तो 2 महीने बाद मैं अपने बच्चे को कैसी दुनिया में जन्म दूंगी, बताइए। मैं उसे ऐसा बाप नहीं दे सकती। अच्छा क्या उसका नंबर मिल सकता है? नो सर, हमारे सारे कॉल्स एनक्रिप्टेड होते हैं, ना तो हमारे पास पेशेंट का नाम होता है ना नंबर, पेशेंट की आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं। हाँ शायद फिर लोग कॉल ही ना करें ये सोच के कि उनका मजाक बनेगा। सर वो नंबर पता लगाने के लिए तो कोर्ट ऑर्डर लगेगा सर। नहीं अभिजीत, इसमें वक्त चला जाएगा, और वक्त नहीं है हमारे पास, वो बेचारी लड़की इतने महीनों से टॉर्चर सह रही है, और तो और उसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, ऊपर से हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है सर। ये डायरी है मेरे पास, जो भी कोई कॉल करता है ना उसमें सब डिटेल्स होती है, मैं अपनी स्टडी के लिए नोट्स बनाती हूँ, शायद इस डायरी से आपको कोई मदद मिल सके। सर लास्ट पेज पे लिखा है सारे रिश्तेदार बस पकड़ के सातारा चले जाएंगे। तो हमारे पास उस लड़की के बारे में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसके पति के पास एक सर्विस रिवॉल्वर है, और नंबर दो उस लड़की के पेट में एक 7 महीने का बच्चा है। उस लड़की की फैमिली बस से सातारा जाने वाली थी, सारे टोल नाकों पे इंक्वायरी करो, देखो किसी बस में ऐसी कोई फैमिली है जो शायद गोद भराई करके सातारा लौट रही थी। शहर में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन सबके पेशेंट्स की लिस्ट चेक करो, और देखो ऐसा कौन सा पेशेंट है जो अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। सर ये वो आखिरी बस डेपो है जहाँ से सतारा की बस जाती है। एक मिनट है, आज दोपहर को यहाँ इस डिपो से सतारा के लिए एक बस जाने वाली थी ना? एक बस निकलने वाली थी सर, लेकिन एक घंटा पहले, लेकिन वो इंजन खराब हो गया तो लेट हो गया। वो बस कहाँ पे? ये बस है, ये वाला? हाँ हाँ। ये आप लोग सतारा जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ क्यों? आप लोग यहाँ कोई गोद भराई सेरेमनी के लिए आए थे? हाँ लेकिन आप लोग कौन? देखो हम लोग CID से हैं, ये गोद भराई किसकी थी? मेरी कजिन नैना की, लेकिन हुआ क्या है?
ये नैना कहाँ रहती है, उसका घर का एड्रेस देना सर। B200 शांति निवास वर्सोवा। थैंक यू। आंटे यहाँ पे डिपो में एक फैमिली मिली है। हाँ उसी की फैमिली है। लड़की का नाम नैना है। एड्रेस है B200 शांति निवास वर्सोवा। 200 वर्सोवा यार, गायनाकोलॉजिस्ट ने भी हमें यही एड्रेस दिया है। तुम वहाँ पहुँचो, हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है, हम लोग पहुँचे। ओके वर्सोवा। हम लोग सीआईडी से, ये नैना का कमरा कहाँ है? सीआईडी? हाँ। सर ऊपर जाके राइट, लेकिन क्या हुआ सर? गोली मारी ली इसने। गोली चिन के नीचे से ऊपर की तरफ चली है। सर काफी खून बह चुका है। लगता है बहुत समय हो गया है। पिछड़ो। क्या हुआ? भाई नैना। नहीं। क्या हुआ नैना को? इंस्पेक्टर अमन। तुम इसे जानती हो? हाँ, हम लोग ट्रेनिंग एकेडमी में साथ में ही थे। क्यों किया सर इन्होंने? ये तो अब आप ही बताएंगे। उठो। इसे टॉर्चर करते थे, मारते थे, डराते धमकाते थे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? क्या करती है? अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के लिए अंदर जाओगे तुम? सर ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अमन भाई ऐसा नहीं कर सकते। सर आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। सर प्लीज ऐसा मत करिए। कितना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा इसे। अपने सर में गोली मार ली। इसको बाहर लेके जाओ। आखिर वही हुआ जो राधा ने बोला था। गोली मारी ली इसने। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं और एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं कि नैना को हम लोग बचा नहीं पाए। एक मिनट, वो फोन। तो दिख नहीं रहा। ये नैना का फोन किसी ने देखा है क्या? आपको मालूम? किसी ने कहीं देखा हो? हाँ? सर मैं फोन करती हूँ उसके नंबर पर। यश बेटा इधर आओ। तुम्हारे पास है, निकालो। मैंने गेम खेलने के लिए लिया था चाची के कमरे से। कोई बात नहीं बेटा। क्या बेटा, ठीक से याद करके बताओ, जब तुमने फोन लेने के लिए यहाँ पर आए थे तो क्या देखा तुमने? कितनी खुश लग रही है ना चाची। अब मेरे साथ मोबाइल पे गेम खेलोगे ना? गेम? अभी अभी तो इतने सारे लोग हैं और मेरा फोन भी मेरे रूम में पड़ा है, तो अभी तो नहीं खेल सकते। और मैं बाद में खेलूँ तो चलेगा? अभी ना तुम जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, ठीक है? जाओ। अरे भाई फोटो के जाओ ना भाभी के साथ में। मैं जा रहा हूँ। बेटा तुम फिर से मोबाइल लेके बैठ गए। मम्मा प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत करो यार, प्लीज। चाची का फंक्शन है और तुम यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहे हो? हाँ बस थोड़ी देर प्लीज। उनको बुरा लगेगा ना। चलो बेटा चलो, खुद बहुत चलो। नो मम्मा, बहुत गेम खेल लिए, अब कल तक नो फोन। चाची
वाह बाद ये फोन तुम्हें वापस कहां से मिला? यहां बाहर पड़ा हुआ था। थैंक यू बेटा, आपने हमारी बहुत मदद की। मिस्टर अमन, आप खुद बताएंगे या हम लोगों को पूछना पड़ेगा? तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें तो पता होगा कि हम इंट्रोगेशन कैसे करते हैं। सर सर, मैं अमन को ट्रेनिंग के दिनों से जानती हूँ। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स। सर सर, मुझे नहीं लगता है कि अमन ऐसा कर सकता है। लोग बदलते हैं पूर्वी, सारे एविडेंसेस अमन के खिलाफ है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सब लोग ये सच समझ रहे हैं कि मैंने नैना पे हाथ उठाया होगा। बहुत प्यार करता था मैं उससे, अरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली थी वो, मतलब मैं उसे कैसे। हाँ तुम, और तुमने उसे टॉर्चर किया और इसलिए वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई। गलतफहमी है ये आपकी, कभी डिप्रेशन में नहीं थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी, मुस्कुराती हुई लड़की थी वो। मतलब वो सुसाइड कैसे कर सकती है वो? अरे तो फिर वो मेंटल हेल्थ फाउंडेशन में बार बार फोन क्यों करती थी? पिछले कुछ महीनों में 10 कॉल। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। कॉल करके इसे डिलीट कर देती होगी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। सर भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो तो नैना से बहुत प्यार करते थे और नैना तो खुश रहती थी। अगर नैना तुमसे खुश थी तो उसने हेल्पलाइन में फ़ोन करके ये क्यों बोला कि तुम उसे टॉर्चर करते हो, उसे उसे मारते हो, उसे धक्का देते हो? क्यों अमन, जवाब दो। पूर्वी जवाब होगा तो देगा ना ये। इसकी टॉर्चर की वजह से वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई और फिर सुसाइड कर लिया उसने। डिप्रेशन में अक्सर इंसान अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते, हो सकता है इसी वजह से नैना कितनी तकलीफ में थी ये किसी को पता ही नहीं चला। फिर भी एटलीस्ट तुम तो मेरा यकीन करो, यू नो मी वेल, नैना कभी सुसाइड नहीं करेगी, कभी सुसाइड नहीं करेगी। ले जाओ इसे। चलो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नैना कभी सुसाइड नहीं कर सकती। चलो सर, मेरी बात सुनिए सर, नैना ने सुसाइड नहीं किया है। सर मेरी बात सुनिए एक बार, सर सर एक बार। अगर नैना सुसाइड करने वाली थी तो उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से बेबी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग क्यों की? ताकि किसी को शक ना हो सकता है, बट सर आई थिंक ये थोड़ा अजीब है सर। वाकई अजीब है। तो आपको लगता है कि ये अमन और भूमि ये लोग सच बोल रहे हैं? वो तो पता चल ही जाएगा अभिजी, तो उससे पहले उस गोद भराई वाले फंक्शन में जितने भी नैना के करीब लोग हैं उन सबको बुला। नैना के साथ आपका रिश्ता कैसा था? जी सर, काफी अच्छा था, वो बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा खुश रहती थी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है? हम काफी बातें करते थे लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि उसे अपने हस्बैंड से या शादी से कोई प्रॉब्लम है। यशविता, आपको चाची कैसी लगती थी? प्यार करती थी आपसे? हाँ, चाची हम बच्चों से बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपने फोन में मुझे गेम भी इंस्टॉल करने दिया। अच्छा, चाची ने आपसे कभी ऐसी कुछ बात बोली थी जैसे उनका चाचा से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई फाइट हुई हो, ऐसा कुछ? नहीं, चाची प्रेग्नेंट थी ना, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। और मम्मा ने भी मुझे कहा था कि मैं उनको ज़्यादा तंग ना करूँ।
वैसे नैना के बिहेवियर से आपको कोई डाउट हुआ कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत खुश थी, पूजा में, फंक्शन में डांस भी कर रही थी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो अपने फोटोशूट को लेके। और फोटोग्राफ्स हैं? सर, नैना के जितने ही फोटो हैं सब इसी में। ठीक है, ये हम रख रहे हैं, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, सबको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये अमन सच ही बोल रहा है। अगर नैना इतनी खुश थी तो फिर सुसाइड क्यों करेगी? नहीं तो सुसाइड क्यों करेगी? गड़बड़ है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राधा ने जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी थी हमें सब दे दी। अब समझ, काम करो, इस मेंटल हेल्थ फाउंडेशन में जाकर इस नैना के बारे में जो कुछ पता चलता है निकाल कर लेके आओ। वहां के ऑपरेटर से भी बात करो, कुरेद कर इंफॉर्मेशन निकालो, शायद कुछ ऐसी बात वो जानती हो नैना के बारे में जो हमारे फायदे की है। हम सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये नंबर से आपके फाउंडेशन के हेल्पलाइन पर एक लेडी कॉल करती थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, कब कॉल किया था, कितनी बार किया था, कॉल टाइम, पूरी डिटेल। मैं भी चेक करता हूँ। यस सर, इसने काफी कॉल किए थे पिछले 5 महीनों में 10 बार। ये इनसे बात कौन कौन करता था? एक्चुअली सर, इनके सारे कॉल्स राधा जी हैंडल करती थी, वो यहाँ पे वॉलेंटियर। जब इनका फर्स्ट टाइम कॉल आया था तब भी राधा जी की शिफ्ट थी, और उसके बाद ये जब भी कॉल करते थे तब यही बोलते थे कि इन्हें राधा जी से ही बात करना है। इस कॉलर के बारे में कुछ याद है? कोई खास बात, कुछ अजीब हुआ हो? उस कॉलर के बारे में सर? हाँ सर, एक बार हुआ था सर। ये देखिए सर, एक ही दिन में 2 बार कॉल आए थे सर। तो इसमें अजीब क्या? मुझे याद है सर, जब पहला कॉल आया था हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, मुझे राधा जी से बात करनी है। जी श्योर। हेलो राधा जी, आपके लिए कॉल है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से वापस कॉल आया। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, मैं नैना बोल रही हूँ। कुछ टाइम पहले आपके पास मेरे नंबर से कोई कॉल आई है ना, और 7 मिनट आपसे बात भी हुई है। आप प्लीज मुझे बताएंगे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, ये मेंटल हेल्थ फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है। हम लोग उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट? सुसाइड हेल्पलाइन? यस मैम। मोस्टली कॉलर सर अपना नाम कभी नहीं बताते, लेकिन इन्होंने आगे से खुद ही बता दिया। सर, नैना ने राधा को कभी अपना नाम नहीं बताया था, तो फिर वो एक ऑपरेटर को क्यों बताएगी? हमें इस नंबर की कॉल हिस्ट्री चाहिए। 1 महीने पहले नैना के फोन से किसी ने हेल्पलाइन पे फोन किया था, और ये रहा उसका रिकॉर्ड। दस तारीख को तो सेकंड सैटरडे था। तो क्या हुआ? क्योंकि सेकंड और फोर्थ सैटरडे घर पे हाउसी खेला करते थे, तो मतलब उनमें से कोई। ये 2 कॉल्स तो दोपहर के दिखा रहे हैं। हाँ, उसके सारी फ्रेंड्स दोपहर में आते थे। कितने फ्रेंड्स? यही कोई 8-10। तो क्या तुम नैना की इन सारी फ्रेंड्स को जानते हो? सबको तो नहीं, पर काफियों को जानता हूँ। मेरी बहन भूमि भी आती थी। भूमि, एक बात बताओ, पिछले महीने जब तुम नैना के घर गई थी हाउसी खेलने के लिए, तब ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? मेरा मतलब है कोई अजीब सी घटना, या फिर यू नो आपस में, या फिर गेम में, कुछ भी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम हमेशा जैसे खेलते थे वैसे ही खेल रहे थे। और नैना, उसे देख के कुछ डाउट हुआ? सर, नैना तो खुश थी, इनफैक्ट मस्ती कर रही थी। हाँ, मगर कुछ देर बाद पता नहीं एकदम सीरियस हो गई, परेशान सी हो गई। पता नहीं उसे क्या हो गया था। 5151
लगता है इसका जो होने वाला बेबी है ना, बहुत लकी है वो। हाँ यार, वरना पहले कभी नैना इतना जीतती नहीं थी। ओहो, लगता है कोई जेलस हो रहा है। अरे नैना, भाई को फोन कर लो ना, रात को डिनर का ऑर्डर करने के लिए रिमाइंड कराना है। फोन कहाँ है मेरा? अरे एक काम करो, लो अभी मेरे फोन से बात कर लो। हेलो, हाँ वो शाम को ना प्लीज खाना ऑर्डर कर देना। नहीं नहीं, बस यही याद दिलाना था। ये लो, पर मेरा फोन कहाँ है यार, मुझे समझ नहीं आ रही, यही रखा था। नैना, वो रहा तुम्हारा फोन वहाँ टेबल पर। वहाँ किसने रखा? मैंने तो फोन वहाँ रखा ही नहीं। रखा होगा ना? नहीं यार, मुझे याद है मैंने नहीं रखा। किसने कॉल किया होगा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? जानवी, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? तो तुम लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज मुझे बताना। कौन सी प्रॉब्लम? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या हो गया है अचानक? अरे कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये नेचुरल बात है। चलो हम सब लोग गेम कंटिन्यू करते हैं। सर, नैना भूमि के फोन से अमन से बात करी थी, दोपहर 1:03 से लेकर 1:04 तक। 1:04 तक? ये सुसाइड हेल्पलाइन पे जो पहला फोन गया था 7 मिनट वाला, सर ये 12:57 से 1:04 तक चला है, और दूसरा 1:20 से 1:21 तक। मतलब अभिजीत, वो 7 मिनट वाला कॉल नैना ने नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त नैना अमन से बात कर रही थी भूमि के सेलफोन पर। एग्जैक्टली। मतलब वो फोन नैना के फ्रेंड्स में से किसी ने किया था। आपने देखा था किसी को उसका फोन उठाते हुए या फिर उसका फोन यूज करते हुए? नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मतलब वो कॉल्स किसी और ने किए थे। और सर, नैना को जब अपना फोन मिला और उसने लास्ट डायल्ड अननोन नंबर चेक किया और उसने उस नंबर पे कॉल किया, तो उसे पता चला कि वो नंबर किसी सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर है। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, मैं नैना बोल रही हूँ। कुछ टाइम पहले आपके पास मेरे नंबर से कोई कॉल आई है ना, और 7 मिनट आपसे बात भी हुई है। आप प्लीज मुझे बताएंगे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, ये मेंटल हेल्थ फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है। हम लोग उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। What? अब सुसाइड हेल्पलाइन? ये जानकर वो परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि सुसाइड कौन करना चाहता है। सर, अगर ये फोन कॉल नैना ने नहीं किया है, तो इससे पहले जितने फोन कॉल्स किए गए हैं, हो सकता है वो भी नैना ने किसी ने किसी और ने किया। भूमि, तुम हाउसिंग खेलते वक्त डायरी रखते हो ना, मेरा मतलब है स्कोर रखते हो ना हर प्लेयर का, बस वो डायरी हमें चाहिए। ओके सर। ये हैं, हर सेशन में ये 4 नाम है सर जो हमेशा मौजूद होते हैं। भूमि, पारुल, जानवी और शीतल। राधा, कोशिश करके बताओ, सुनो इन तीनों की आवाज, देखो इन तीनों में से किसी ने तुमसे बात की थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं सुसाइड क्यों करूंगी? अगर मुझे फोन करना होता तो मैं अपने फोन से करती। नैना के फोन से क्यों? स-
सर इन तीनों में से कोई आवाज नहीं है। सर ये तीनों तो साफ मना कर रहे हैं, बस एक शीतल बची है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है मतलब क्या? सर इन तीनों में से कोई शीतल को जानता ही नहीं। जानवी बता रही थी कि शीतल नैना को उसके गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में मिली थी और वहां पर उनकी ऐसी ही दोस्ती होगी। शीतल को कोई भी पर्सनली नहीं जानता। कोई बात नहीं, तीनों की हेल्प लेते हैं और शीतल का स्केच बनवाते हैं, फिर देखेंगे। शीतल नैना से इसी गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे मिली थी। डॉक्टर मीना जरा स्केच को ध्यान से देखिए, क्या ये लड़की आपके यहाँ इलाज कराने के लिए आती थी? I don't think so. मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि ऐसी कोई लेडी मेरे पास कभी आई भी थी। है कौन ये? इसका नाम शीतल है। हम समझ सकते हैं कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट्स आते हैं तो सारे पेशेंट्स का नाम याद रखना तो मुश्किल ही है। राइट, बट मैं अपने हर पेशेंट को पर्सनली जानती हूँ एंड आई एम श्योर कि शीतल नाम की कोई भी पेशेंट मेरी कभी थी नहीं। ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है आपके क्लिनिक में, इसकी फुटेज मिल सकती है हमें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसका स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए हमें वो डिलीट करना पड़ा। ओके, एनीवेज थैंक यू। लगता है ये शीतल कभी पेशेंट थी नहीं, सिर्फ नैना से दोस्ती करने आई थी यहाँ। यही प्लान था उसका कि नैना से दोस्ती करके उसके घर में घुसने का। ये प्रोफेशनल फ्रॉड लगती है, रोकना पड़ेगा उसे। तुमने इसे देखा है? ये तो शीतल है, नैना की फ्रेंड, ये अक्सर घर पे आती थी। नैना और शीतल की दोस्ती कब और कैसे हुई कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं मैं नहीं जानता, पर क्या फर्क पड़ता है जब मेरी नैना नहीं रही तो इन सब का। ये क्या पागलपन है, जरा सोचो, अगर तुम निर्दोष हो तो इसका मतलब है कि कोई तो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें नैना की मौत का जिम्मेदार ठहरा कर उसे फायदा होने वाला है, इसीलिए वो तुम्हें फंसा रहा है। कौन हो सकता है जिसे तुम्हारे और नैना के लिए नफरत है? मैं नहीं जानता। तो फिर भूमि कहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने तो नहीं? नहीं, भूमि ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो नैना से बहुत प्यार करती थी। तो कोई प्रोफेशनल राइवलरी? एक पुलिस वाले के तो हर जगह दुश्मन होते हैं। नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अपनी ड्यूटी में ना तो कभी किसी गैंगस्टर को पकड़वाया, ना ही किसी बड़े गैंगस्टर को मारा, कभी रिश्वत नहीं ली, पूरे करियर में बस एक बार गोली चली मुझसे। किस पर गोली चलाई थी तुमने? छोटा मोटा फ्रॉडस्टर था विशेष, उसे अरेस्ट करने गए थे तो बस वहीं गोली चल गई। अभिजीत, इंस्पेक्टर। शायद इस विशेष के किसी भाई या रिश्तेदार ने बदला लेने के लिए ये सब किया? नहीं, जब हम उसे अरेस्ट करने गए थे तो कोई उसका फैमिली वाला नहीं था, शायद वो अनाथ था। ठीक है, अगर विशेष के आसपास का ही कोई है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सर अमन सही कह रहा था, विशेष का सच में कोई नहीं, फैमिली बीवी बच्चे कोई नहीं। तो फिर इसका बदला कौन ले रहा है? फिर फैमिली वाले नहीं, दोस्ती सही, दोस्तों ने लिया होगा बदला। दोस्ती के लिए आजकल कौन अपनी जान खतरे में डालता है सर? ये सब तो पुरानी फिल्मों में होता था, जय वीरू, हेरा फेरी, अब कहाँ सर? ये क्या? सर एक स्टोर की चोरी में विशेष के साथ एक और नाम है, रेखा। रेखा? दोनों ने मिलकर बहुत सारी चोरियां की है, फोटोग्राफ्स क्यों नहीं? ये लोग भेस बदल के चोरी किया करते थे सर, शायद इसलिए। और जब विशेष मर गया तो ये जोड़ी टूट गई होगी और रेखा अकेली पड़ गई होगी। रेखा? पता है मुझे ये रेखा कौन है? सर हमारे खबरी ने रेखा का यही एड्रेस बताया।
करो जरा। सर मर चुकी है, जरा पलटो इसे। शीतल, हमारा शक सही था, शीतल ही रेखा है। मगर सर हम लोग को तो लग रहा था कि ये सब शीतल ने किया है। पंकज कोई और ही है सबके पीछे, उसे पता चल गया था कि हम शीतल तक किसी ध्यान में पहुंच जाएंगे। हरिका, इसके गर्दन पे यहाँ पीछे की तरफ घाव है, इस तरफ घाव है, इसका मतलब खूनी कहीं इसके पीछे की तरफ खड़ा हो। देखो यहाँ पर घाव है चाकू का, तो खूनी पीछे की तरफ खड़ा हो सकता है, तभी वार ऐसा हो सकता है, राइट? हाँ सर, और मुझे लगता है शायद ये खूनी को जानती थी, क्योंकि इस घाव के अलावा शरीर पे और कोई भी हाथापाई या कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। राइट, हो सकता है जानता, लेकिन एक बात पक्की है, ये खूनी तो जानती थी या नहीं जानती थी, लेकिन ये बात पक्की है कि खूनी इसके पीछे बहुत करीब खड़ा था। देखो जितनी ताकत के साथ ये इस्तेमाल किया गया चाकू, ये बहुत करीब खड़ा होगा तो जोर से मारेगा। और एक बात, जो घाव है ये हमें बताता है कि किसी ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर दाएं हाथ से चाकू मारा गया होता तो घाव का ये ऐसे एंगल नहीं होता, ये बाएं हाथ का इस्तेमाल किया गया है। राइट, तो इसका मतलब ये खूनी डेफिनेटली एक लेफ्ट हैंडेड है। बिल्कुल, ये खूनी लेफ्टी है। और देखो एक बात और, जितनी ताकत के साथ ही इस्तेमाल किया गया, सपोज कोई दाएं हाथ का आदमी बाएं हाथ में चाकू लेकर के इस्तेमाल करेगा तो इतना गहरा घाव अपने बाएं हाथ से नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जो वाकई में एक लेफ्टी हो। खब्बू, खूनी लेफ्टी है, एक बहुत बड़ा क्लू है। बता देते हैं उनको जनाब, एसीपी साहब को। हाँ जी रुद्युमन साहब। हाँ बोल सर उनकी, बोल। एक बहुत बड़ा क्लू हाथ लगा है, जिस किसी ने भी चाकू का इस्तेमाल किया है वो आदमी लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडर। थैंक यू सोंगे। सोंगे का फोन था, बता रहा था खूनी खब्बू है। सर हम तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, फिर हमें यहाँ पे क्यों रोका गया है? क्योंकि सच अभी तक सामने नहीं आया। कल रात नैना का फोन आप सबके हाथ में आया था, ठीक से याद करके बताइए और क्या हुआ था। शायद आप में से किसी ने उसे देखा हो या सुना हो किसी से बात करते हुए। यश बेटा, आई होप आपकी मेमोरी तो अच्छी है, कुछ याद है आपको? आप हमारी मदद नहीं करेंगे? लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। सच्ची? आपको जो कुछ भी याद है बता दो, आई प्रॉमिस कि हम में से आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं चाची के रूम में गया था थोड़ी देर के लिए फोन लेने के लिए, फिर मैं गेम खेल रहा था और कोई आ रहा था वहां से, फिर मैंने फोन को वहां पे साइड पे रख के चला गया। कौन कौन सा गेम खेल रहे थे तुम? सॉरी, चाची के मोबाइल पे तुम यही गेम खेल रहे थे? हाँ, मैं और मेरा दोस्त नीरज, हम लोग हमेशा यही गेम खेलते हैं। ये गेम तो काफी लोग एक साथ खेल सकते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो नीरज तुमको भी देख रहा होगा, तुमने फोन वहां पे रखा तो सर फोन तो रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, वहां पे क्या हुआ नीरज के फोन से पता चल सकता है। चलो हम नीरज को बुला लेते हैं। नीरज बेटा घबराओ मत, यहां तो हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, बस कुछ पूछना है तुमसे, इंफॉर्मेशन चाहिए, जो तुम लोग गेम खेलते हो ना मोबाइल पर उसके बारे में। जब तुम अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे यश के साथ, तब यश तुम्हें दिख रहा था ना? हाँ। अच्छा तो और बताओ,
कि जब तुम यश को देख रहे थे तो क्या तुमने यश के पीछे किसी और को देखा? नहीं, सिर्फ यश ही था। एक मिनट सर, जब यश वापस आया ना तब तक स्क्रीन लॉक नहीं हुई थी। स्क्रीन लॉक नहीं हुआ था मतलब? सर मतलब गेम एक्टिव थी और जब गेम एक्टिव होती है तब वो अपने आप स्क्रीनशॉट्स लेती है। तो उस वक्त भी लिए होंगे और सारे स्क्रीनशॉट फोन में से होते हैं। हाँ सर, लाइक अपना फोन लाइए। थैंक यू। ये कौन? ये नैना तो नहीं लगती? नहीं, ये नैना नहीं है। एक मिनट पर ले, ज़ूम करना इसमें। मेहंदी और लेफ्ट हैंड, इसके हाथों में मेहंदी इतनी थैली में क्यों है? वो इसलिए अभी, क्योंकि ये हाथ जिस औरत का है वो औरत वहां बाकी सारे लोगों के हाथों पर मेहंदी बनाने आई थी। खब्बू, खब्बू थी वो। सबसे पहले उसने शीतल से हेल्पलाइन पर फोन करवाया। वो राधा को कॉल ट्रांसफर करिए ना प्लीज। जी श्योर। फिर उसने शीतल को पैसे दिए और कहा, नैना आपके रूम में आपका कोई मेहमान आपको बुला रहा है। और मौका देखते ही उसने नैना को गोली मार दी। आखिर है कौन ये मेहंदी वाली औरत? मुझे नहीं पता वो कौन थी। इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता था उसे। नैना ने कहा था कि शीतल ने रिकमेंड किया है उसे और वही लेकर आई थी अपने साथ में। और वो भी नहीं पता कि उसे क्यों लाया था। अपना काम भी ठीक से नहीं कर रही थी वो, बद्दी से मेहंदी सबको लगा रही थी। देखना चांदी कैसे मेहंदी लगा रही है, ये बराबर से लगा भी नहीं रही है। आपको मेहंदी लगानी नहीं आती क्या? ऐसा लग रहा है किसी ने बना के मिटा दिया। वो मेहंदी इतना खराब लगा रही थी तो शीतल ने उसे क्यों भेजा? किसी को भी शक होगा। कौन हो सकती है? मुझे पता है सर, वो हमारी आंखों के सामने थी। और हमने उस पर शक ही नहीं किया। आप आगे आइए। अपना लेफ्ट हैंड दिखाइए। ये देखिए सर। राधा जी। सर मैंने इनकी वो डायरी घंटों तक देखी, उसमें भी इंक ऐसी फैली हुई थी जैसे इनके हाथ में ये मेहंदी फैली हुई है। जो भी लेफ्ट हैंडेड होता है वो जब किसी कागज पर लिखता है तो ऐसे ही लिखता है, तो जो कुछ लिखा हुआ है पहले ही उसके ऊपर से उसका हाथ घसीटता है और वो स्याही या फिर रंग लग जाता है हाथों पर, जैसे राधा के हाथों पर लगा है ना? क्यों मारा तुमने नैना को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? है क्योंकि तुमने मारा मेरे विशेष को, जान ले ली तुमने मेरे विशेष की। प्यार करती थी मैं विशेष को, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं, और तुमने एनकाउंटर में उसे गोली मार दिया मेरे विशेष को। तुमने मार दिया तुमने मेरे बच्चे को। और इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि तुम अमन से बदला लो। हाँ, जब मुझे पता चला कि विशेष इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस सदमे से मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर गया। सिर्फ किसकी वजह से? तुमने जान लिया मेरे बच्चे की।
जब मुझे पता चला कि नैना माँ बनने वाली है तो मेरा मेरा खून खौल उठा। जो जो खुशी मुझे नहीं मिली वो खुशी मैं नैना को कैसे दे सकती थी। मार डाला मैंने नैना को, मार डाला उसे। तो इसीलिए तुमने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन में एज ए वॉलंटियर नौकरी करना शुरू कर दिया। और शीतल ने तुम्हें नहीं, तुमने शीतल को काम दिया नैना से दोस्ती करने का। हाँ, शीतल को मैंने भेजा था नैना के घर, तो वो नैना के घर से मुझे फोन किया कर मेरी हेल्पलाइन नंबर पर और लोगों से पूछा करे मेरे बारे में। और दूर भराई में भी मुझे शीतल ने नैना के घर बुलाया था। और मैं वही थी। मुझसे अब और सहन नहीं होता है दीदी, मैं जा रही हूँ। अब अपना आखिरी काम करो, नीचे जाके नैना को यहाँ भेजो। अभी भेजती हूँ। और हाँ, मोबाइल को बाहर रख के जाना। आपके रूम में आपका कोई मेहमान आपको बुला रहा है। अमन को अब पता चलेगा अकेले होने का एहसास क्या होता है। ये तो होना ही था, एक माँ से उसका बच्चा छीन कर वो माँ बनने जा रही थी, इसीलिए मैंने मार डाला नैना को। और उसके बाद होशियारी करके तुम सीआईडी के पास भाग के आई ताकि हमको तुम पे शक ना हो और हम अमन के पीछे लग जाए। और जब तुमने देखा कि हम लोग अमन को अरेस्ट नहीं कर रहे तो तुमने शीतल को भी मार दिया अपनी गवाह मिटाने के लिए। दुरादा, ये कैसा बदला दिया तुमने? कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे बैठना पड़ेगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।